इंस्टाग्राम पर चैटिंग करके लड़की की आईडी और लड़कों को लड़का ही साथ में ना चंद्रवान और लड़कों भी आईडी चलाओ लड़की की और वो बुला के बुलाए है फिर बुला के बैठाए अभी ने मारे और मार कूट करके फांसी बटाऊंगी। आज तक मोबाइल की जाँच खुली हुई 40 दिन हो गए, 40 दिन में मोबाइल जाँच खुल कर सके कोई कंपनी को बड़े भी कंपनी मोबाइल की जाँच निकल कौन सके क्या बोले मोबाइल की जाँच खुली हुई जी हो पीछे जगह दूसरा छोटे टाबर ने दे दियो ना बोलो ना वाले कहो तो हाँ फौजी हो मारा यहाँ ये माने बताऊँ मैं दुनिया आदमी पकड़ रखा इन्हें मन मारा आगे कर दो आंख नहीं बस की बात नहीं तुम्हारा आगे कर दो मारा मैंने खाना मार दियो माने उल्लू बढ़ा दिया धमकी दिया हमारे को या तो चले जाओ नहीं ये धारा भी मिट जाएगी आपकी 5 दिन में नहीं मिले तो मैं तोड़फोड़ भी करांगा। यानी कमलेश पिसा खा जो आरोपियां कलो और कमलेश लगाए हुए के आत्महत्या करी है कमलेश एसओ साहब यानी बिकी 400 बेची है कि केस ने वो खा गयो मारे दौड़ू पिसा लेने गयो बी के सामने मैंने मुलजिम पकड़ाए गए कमलेश के सामने कमलेश बी की रिकॉर्डिंग काटी फोन की सब कुछ कमलेश करियो आज भी के मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी नहीं है कुछ भी नहीं है जैसे उसकी चैटिंग की हुई थी इंस्टाग्राम पे चैट काट दी गई वो डिलीट मार दिया मैंने खुद मोबाइल चेक किया था बोले इसमें यार चैट है ही नहीं मैं बोले सर इसमें थी क्योंकि उसमें लोकेशन वगैरह जो चैटिंग हो रही थी वो मैंने खुद देखी थी उस दिन जब मर्डर हुआ था वहाँ पे परशुरामपुरा में और वो चैटिंग कुछ नहीं है हमें बता दिया गया कि ये हमने धारा लगाई है 2 दिन बाद पता लग रहा है सारी धारा हटा दी उसको 306 में डाल दिया हमने अगर 2 बंदे हम जा रहे हैं एक के साथ मारपीट करके कुछ छोड़ दिया एक लटका हुआ मिला है आत्महत्या तो हो नहीं सकती जो प्रशासन है बिल्कुल निकम्मा आप आरोपियों गिरफ्तार को पहले बोले नहीं है कोई घर यहाँ कहाँ से करें फिर हमने वहीं पे छोड़ दिया डेड बॉडी को हम नहीं लेंगे 10 मिनट बाद बोले हमने एक को गिरफ्तार कर लिया जो बताओ भोलू शहबाज खान था वो वहाँ पे गए थे अपने दोस्त के साथ वो दोनों गए थे देखो आगे क्या मामला था वो क्यों गए थे किस लिए गए थे किसी भी अपने कारणवश तो उनको जो अज्जू कल्याण वगैरह हैं उन्होंने पकड़ा है उसको पकड़ के दो एक जो गवाह है उसके साथ भी मारपीट की है वो बिल्कुल गवाह है साफ साफ बता रहा है वो क्लियर पुलिस प्रशासन को भी पता है कि भाई मर्डर हुआ है श्योर अगर 2 बंदे हम जा रहे हैं एक के साथ मारपीट करके कुछ छोड़ दिया एक लटका हुआ मिला है आत्महत्या तो हो नहीं सकती लेकिन ये श्योर है कि उसको तरीके से बिल्कुल सोच समझ के बहुत बड़ी साजिश से उसको मारा गया था उसके बाद उसको लटका दिया गया था हमें ना मिलती है कि आपका बंदा ऐसे ऐसे लटका हुआ है हम गए प्रशासन ने उसको नीचे उतार रखा था ठीक है वहाँ ले गए सुबह 10 बजे उसको नीचे उतार लिया शाम को 9:30 बजे उसकी एफ आई आर दर्ज हुई है हमें बता दिया गया कि ये हमने धारा लगाई है 2 दिन बाद पता लग रहा है सारी धारा हटा दी उसको 306 में डाल दिया है हमने पूछा उनको कि ये आपने क्या किया तो उन्होंने हमें कहा कि हम जैसे कार्रवाई कर रहे हैं वैसे करने दो नहीं आप कार्रवाई नहीं करेंगे उन्होंने ये बोल दिया अपने पुलिस प्रशासन ये काम थोड़ी होता है ये नहीं होता ना हमने आ गए अब 2 दिन 3 दिन हम वहाँ से फिर एसपी साहब के सामने पेश हुए तो उन्होंने हमें दिया 5 दिन का टाइम हमने 5 के बजाय 7 दिन का टाइम दिया उनको चलो 2 दिन का और देते हैं यहाँ पे थाने में हमारी रिपोर्ट लगाई फिर उन्होंने बोला कि हमें आप 2 दिन का टाइम और दो हमने उनको 4 दिन का टाइम दिया चलो 4 दिन ले लो जो मोबाइल में जो भी सबूत थे जैसे उसकी चैटिंग की हुई थी इंस्टाग्राम पे चैट काट दी गई वो डिलीट मार दिया मैंने खुद मोबाइल चेक किया था बोले इसमें यार चैट है ही नहीं मैं बोले सर इसमें थी क्योंकि उसमें लोकेशन वगैरह जो चैटिंग हो रही थी वो मैंने खुद देखी थी उस दिन जब मर्डर हुआ था वहाँ पे परशुरामपुरा में और वो चैटिंग कुछ नहीं है हमें तो गुमराह कर दिया अब गुमराह करने के बाद अब 2 दिन पहले हमें बोला गया कि अब आपको कुछ करना वो कर सकते हो ये तो मारने को पीछे को क्या कारण हो देखो ढोलू के पीछे मारने का कारण अभी तक इस बात का हमें भी नहीं पता चला या तो उसके साथ में है संदीप नाम उसका उसको पता है या जो मारने वाले उनको पता है हमें सिर्फ यही कह के गया था कि घर में काम चला हुआ था तो हमें सिर्फ वो यही कह के गया था कि कल मिस्त्री आएंगे और छात घेरेंगे तो तुम पैसे चाहिए तो मैं पैसे मांगता हूँ घोड़ के वो ले आता हूँ सिर्फ ये बोल के गया था अब आगे किस लिए गए थे वो किस लिए नहीं गए थे वो हाँ ये है कि जब वो फांसी पर लटका था वो तोले उसका नहीं था और जहाँ पे लटका था वो जगह तो आप देखोगे तो आप खुद भी कहोगे यहाँ बंदा पहुँच ही नहीं सकता अकेला
इस तरीके से उसको लटका रखा था। तो आज 40-45 दिन हो गए, पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई? कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने मामले को नीचे से नीचे दबाया और कुछ नहीं किया। पहले 302 का मामला था, उसको 306 में पटक दिया। अब बोल रहे हैं ये 306 भी जाएगा, 304 करेंगे। अभी तक आपको कोई न्याय नहीं मिला? बिल्कुल कुछ भी, 1% भी नहीं मिला अभी तक प्रशासन की तरफ से। हमें 1% भी साथ नहीं मिला है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल एकदम वाजिब जो जांच है वो जांच करें और दोषियों को सजा मिले और मामला 302 में वापस लाएं। जो स्पष्ट बात है वो रखें, चाहे वो कुछ भी एक्स वाई ज़ेड। हमारा यही कहना है उनसे, हमें बिल्कुल न्याय चाहिए। देखो आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी का भाई, किसी का बेटा, उसके साथ भी हो सकता है। तो जो पैसे वाला है वो तो पैसे फेंक देगा, वो तो बच जाएगा, और जो गरीब है वो मर जाएगा। यही हमारे साथ हुआ है। इनके जो दोलू था सिर्फ वो ये कि बंदा था जो अपना घर गुजारा करता था पैसे कमाने में, और कोई भी नहीं है। ये है, ये किडनी का पेशेंट है, किडनी काम नहीं करती, दवाई चलती है, कुछ है नहीं कमाने वाला। वो ही बंदा था, वो चला गया। अब पूरा अब ये तो चाहिए इनको पूरे परिवार को फांसी दे दो, या तो उसी लायक है मरने लगे। मर जाए तो सूख पाए। अब मैं तो ये खुद कह रहा हूँ, ये मर जाए तो ये सूख पाए। अब इन्हें दर दर की ठोक रहे हैं, ये खाएंगे जो जानजोत से है। वही बात है, कोई बिल्कुल भी अपनी जो प्रशासन है बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा, बिल्कुल कोई भी वाजिब बात नहीं की इन्होंने, और कुछ भी जांच नहीं की 1% भी। हमें बोला, मैं भी वहां मौजूद था, मल गया। हमें साजिश तो थी, ये तो शोर ही है। मामला तो वो सभा जड़ी है, बुढ़ा छुपड़ा के बुलाए है और फिर भी मारा कुट्टी करिए, फिर बंक कई तोलिए सर भी फांसी दे के रूप पर लटकाए गए है। ठीक है, मान्यता दिन तो पुलिस गुमराह कर बत करती रही कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब लास्ट में मान वही जवाब दियोगे, वो खुद आत्महत्या करी है। यानी ये केस ने छुपाना में जो मेन आरोपी जो पहली पोत केस समाये भी कोई है, गोठड़े को जो है कमलेश एसओ साहब, यानी भी कि 400 बेसी है कि केस ने पूरा वो खा गयो। मारे दौड़ू पिसा लैन गयो, बी के सामने में मुलजिम पकड़ाए गए कमलेश के सामने। कमलेश भी की रिकॉर्डिंग काटी फ़ोन की, सब कुछ कमलेश करियो है। आज भी के मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ते पुलिस प्रशासन से कितनी बार अवगत करवाया? मान तो 40 दिन हो गया था। हाँ, तो क्या रिस्पॉन्स हो रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रही आदमी। एक बार मेरे जितने भी भाई हमें को न्याय दिलाने के लिए एक बार जरा मैं उड़ा के बैठे, हमने कागज लिखा है जो सरकार से मांग है वो उसमें आज मांग नहीं मिली। जब चाहे 4 दिन लागो, चाहे 5 दिन लागो, मैं तनो देंगा। 5 दिन में नहीं मिले तो मैं तोड़फोड़ भी करांगा। यानी कमलेश पिसा खा गयो आरोपियां का लो, और कमलेश लगाए हुए के आत्महत्या करी है। हमारे खुद फांसी खातो तो हमारा घर, हमारा 40 बीघा जमीन है, जमीन में हमारा घर खातो वो फांसी बड़ा जा के थोड़ी खातो। इसलिए मैं आज धरने पे बैठे हैं, मान जल्दी हो जल्दी न्याय चाहिए। हाँ, पुलिस वाले कोई मारे को संतुष्ट वाला कोई जवाब नहीं दिया। यानी 3 दिन पहले मार को लास्ट जवाब यही मिला कि खुद आत्महत्या करिए, इसलिए मैं आज धरना दिया है। ये और बोला पुरुष धमकी दिया हमारे को, या तो चले जाओ नहीं ये धारा भी मिट जाएगी आपकी। मन तो यही बोले मेरी दुकान में जाके हूँ, बजे की बात है, 9 बजे की बात है। कह रहा हूँ तो कोई कुन गयो, पर कहेगी चलो बताओ भाई सक गए और मन तो कौन मेरे पर मान तो दिन या बेरो पड़े हो के भाई मन तो फांसी दे दी लटका दियो। यही बात को बेरो मान तो पछे ये लिया लिया बाद में पुलिस दर में ही वो कौन करियो छोरे का करनी का भाई के बात हुई है कि पूरी पूछताछ की टावरा सुनाई कौन करी। तो पुलिस द्वारा 40-45 दिन की बात होगी। हाँ, के कार्यवाही करी पूछे कौन करी भाई रोज के बल्ला दे रोज की कदे आज DSP से मिलना है, BSP से सबसे मिल के मल्ला क्यों ही कौन करियो। हाँ मान तो न्याय चाहिए, मेरे बच्चन मारो भैया ही मारो मन उस लड़के को मारा गया। हाँ, नीम पर टांगे तो खून ही टांगे, कौन चाहिए क्या उसको और कोई मांगो। हाँ
वन मारा आगे कर दो, आदमी पकड़ रखा है वन मारा आगे कर दो, आका नहीं बस की बात नहीं तुम्हारा आगे कर दो, मार मेहनत ने मार दियो, मान उल्लू बना दिया, गोठड़े कोई तो पुलिस गोठड़े कोई तो डॉक्टर माने माने न्योलगढ़ में पोस्ट मार्टम कराता क्यों बैठा कहाँ करो डॉक्टर को छोटा मोटा कंप्यूटर हूँ डॉक्टर मानो करेंगे 302 की धारा लगवा के अभी तो 306 पर कर दी मान वाला दे बोकर आज बा जाँच को नहीं आई आज बा रिपोर्ट को नहीं आई 6 दिन तक बैठाया रखा लास्ट में माने जवाब दे दियो का आ गई और वो तो खुद आत्महत्या कर ली कोई कर सके खुद आत्म मारो छोटो सो टावर 2 घर ने डाब रखा भाई तो ये बोलो डालो है और बाप बाप भी सोई है 2 घर ने डाब रखा हाँ घर का कौन धनी है तो मार्केट में तो बटे कितने बड़ा बड़ा बैठा लिया बन तो देखी रुपया एक आदमी के रुपया हूँ एक कन को नहीं हूँ न रुपया हूँ बिन के मारी गिर इस धरती पर गरीब भी बसे बागवान भी बसे तो मैं तो यही ना चाहूँ या तो खून के बदले खून दे दो या मारे रखी न्याय दे दो तो दोनों जगह मारपीट करी मारिया हाँ बे बन गिरफ्तार भी करेगा पुलिस एक तो दिखाया था को नहीं कोई पेपर में आई कोई न्यूज में आई कोई क्या में कौन दिखाई मैंने इबके वही कर रखे है गिरफ्तार तो इब करे ही नहीं करे मन कौन बेरो और एक गुजर हो माँ का माई ने फौजी हो पीछे जगह दूसरा छोटे टाबर ने दे दियो मुन्ना ने बोलो नाबालिग है वो तो हाँ फौजी हो मारे यहाँ ये माने बताऊ दुनिया कड़ी से कड़ी सजा मिले और बीच में जमानत भी होने लग रही है वो सागर मर्डर कर दियो और फिर भी फांसी बना रहे हैं पुलिस सारा भी सागर हो रहे हैं भी पुलिस सारा मिलकर मिली भगतवांगी फांसी बना दी एकदम मर्डर कर दी नहीं 30 किलोमीटर क्यों जाओ वो माले फांसी खान मार गा मजंगा को नहीं की 30 किलोमीटर जाओ फांसी खाने जाओ बीजा बिन बुलाए इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर गई लड़की की आईडी और लड़कों कोई लड़का ही 7 महीने चंद्रवान और लड़कों भी आईडी चलाओ लड़की की और वो बुला की बुलाए है फिर बुला की बैठाया बिना मारे और मार कूट करके फांसी बटांग 40-45 दिन की बात होगी तो पुलिस द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई गुमराह कर रही है माने पहली बहुत थाना में गया गोटा थाना बोले 5 दिन के बाद में थारी जाँच हुई पर थारी बढ़िया संतुष्ट करना जांच होगी बकर की बात अभी कर बाद में मिला हमारा संतुष्ट बोले था मिला एसपी से मिला एसपी बोले था चांद करो चेंज करवा दी तो ग्रामीण में आ गई ग्रामीण थाना का मैंने ग्रामीण आ रहा भी बैग बैग वो बना के दियो ना गोठड़ा रहा बैग फार्म ईजा भर दियो और कोई कुछ बदलाव को लिया मैंने और भी नहीं बा बना दी तो आत्महत्या करी है आत्महत्या बना की बाद में 5-10 दिन बोले बोला ठीक है मोबाइल की जांच आज तक मोबाइल की जांच को नहीं हुई 40 दिन हो गए 40 दिन में मोबाइल जांच कौन कर सके कोई कंपनी को बने भी कंपनी से मोबाइल की जांच निकल कौन सके क्या बोले मोबाइल की जांच को नहीं हुआ क्या कोई बात बोले जांच कुछ नहीं कर रहे हैं बस गुमराह कर रहे हैं पुलिस वाले पुलिस आ रहा सब मिलकर गुमराह कर रहे हैं आगे आगे ठंडो करना चाहो ना आगे आगे दिन भरा 5 दिन दो 2 दिन दो ये आप सब बस गुमराह करे जा रहे हो।